आप ये बताइए क्या पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्र में विकास होगा या नहीं होगा इसके बनने से? देखिए, विकास की कोई भी नींव आप झूठ पर और किसी के सपनों पर नहीं रख सकते जी। इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं उसका श्रेय भी नहीं लेना चाहता, मैं चाहता कांग्रेस पार्टी को उसका श्रेय दें। मैं बात ये करना चाहता हूं कि जेवर में रह रहे किसानों को आपने अभी पूरा मुआवजा नहीं दिया, उनको जगह नहीं दी, सिर्फ चुनाव का लाभ लेने के लिए जल्दबाजी में आपने ऐसा आपने जो शिलान्यास करने की तैयारी कर दी। आप बताइए कि जो लोग वहां रह रहे थे, जिनके गांव थे, आज उनके सर पर छत नहीं है, छप्पर के नीचे रह रहे हैं, उनके पशु मरे जा रहे हैं। क्या सरकार इतनी, मैं कहूंगा कि मतलब इतनी राजनीति पे चुनावी फायदे के लिए इतने नीचे गिर गई है कि उसको लोगों की जान की परवाह नहीं है? एक सवाल मेरा और है जी, इन्हीं ने जानबूझकर ये अंटानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार के पैसे का मिसयूज देखिए किस स्तर पे हो रहा है। किसानों को मुआवजा मारा जा रहा है लेकिन अंटानी अंबानी को एयरपोर्ट देने के लिए परेशान है। अगर अभी इन्हीं ने जेवर के पूरे इलाके को शहरी रूप में बना नहीं है वो जी, अगर ये उसको ग्रामीण एरिया रहने देते तो किसानों को मुआवजा 4 गुना मिलता। क्योंकि घटना पोसवाल पर जब राहुल गांधी जी ने आंदोलन किया था तब ये कानून बन गया है कि अब जब आप ग्रामीण क्षेत्र की जमीन लीजिएगा तो आपको सर्किल रेट से 4 गुना पैसा देना पड़ेगा, और जब आप सरकारी आप शहरी क्षेत्र के लीजिएगा तो 2 गुना देना पड़ेगा सर्किल रेट का। इन्होंने अभी वहां कोई शहरी काम नहीं हुआ है लेकिन इन्होंने उस इलाके को शहरीकरण कर दिया, अब किसानों का जो 4 गुना मुआवजा था उसको 2 गुने में कर दिया और वो भी अभी नहीं दे रहे। तो सबसे पहले इनको किसानों का मुआवजा देना चाहिए था, उनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए थी।